नमस्कार, मेरा नाम सारिका मिश्रा। जनपद बहराइच से बड़ी खबर। जनपद बहराइच थाना नानपारा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत बंजरिया का मामला सामने आया। पीड़ित महिला ने बताया है कि उसका पति काम करने मुंबई गया था, जहां से सर्वजीत गुप्ता नाम का व्यक्ति बहला फुसला कर चेन्नई ले जाने की बात कही। तब से अभी तक महिला के पति का कोई पता नहीं चल रहा है। पीड़ित के ससुर विकलांग है, चलने फिरने में लाचार है। वही उनके लड़के को बाहर ले जाकर लापता किया गया। उसी संबंध में पुलिस ने गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज की है, जबकि पीड़ित के पति को ले जाने वाले से दरोगा साहब ने फोन पर बात किया था और सब जानकारी ली, फिर भी कोई पता नहीं चल रहा। पीड़ित महिला के 4 छोटे छोटे बच्चे हैं और ससुर विकलांग हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस से रो रो कर गुहार लगा रही है, उसके पति को ढूंढने की कृपा करें। अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें महिला रो रो कर अपने पति को मांग रही है, अन्यथा अगर उसके पति को नहीं ढूंढा गया तो वीडियो में साफ कह रही है कि हम आत्महत्या कर लेंगे, इसका जिम्मेदार कौन होगा। समय रहते ही पीड़ित के पति का अगर पता नहीं चल रहा है तो महिला जहर खाने की बात कर रही है। क्या वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस कोई कार्यवाही करेगी कि महिला थाने के चक्कर लगाती रहेगी। खास रिपोर्ट संरक्षक रवि गुप्ता, भारत न्यूज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। क्या मामला हुआ? हमारे पति कमाने के लिए तो वहाँ पे कहाँ गए थे कमाने के लिए? बम्बई। हाँ, फिर तो वहीं पे सरबजीत गुप्ता। अरे हाँ, वही सरबजीत गुप्ता। हाँ, मिल गए। हाँ, तो कहने लगे कि हमारे वहाँ मतलब ज्यादा दिहाड़ी है, हजार रुपया। हाँ, तो ये बहाने में चले गए। हाँ, फिर वहाँ से बात कराए। हाँ, कि मतलब आपके पति को मतलब हम ले जा रहे हैं, अपना दिहाड़ी है। तो मतलब हमारे पति भी बात करे, मतलब हम जा रहे हैं। तो जाते थे मतलब घर पर भी बात करें, और ये आदमी भी करो कि मतलब हम लिए जा रहे हैं, इतना दिहाड़ी है। फिर फोन पे आपसे बात हुई उनसे? हाँ, फिर बात हुई। तब क्या कहा? तो बात हुई तो वो कह रहे थे कि मतलब ट्रेन में बैठे थे, ट्रेन से उतर लिए। फिर ट्रेन में बैठे थे, फिर कहता कि मैंने ट्रेन से उतर लिए, लेकिन बहाना बता के हमारे पति का मोबाइल घर धर लिया, और अपना मोबाइल जो है अपने मोबाइल से जब 2 दिन भगा तो हम यहाँ से जब फोन करें तो हमारे पति का मोबाइल स्विच ऑफ, और ये अपना मोबाइल चालू रखे थे। तो हम लोगों जब फोन किया गया तो ये लोग बोले थे कि मतलब दिवाली के बाद में घूमेंगे हम, चेन्नई में बम्बई आएंगे तब आपके पति से बात कराएंगे। अच्छा, ये बात आपसे कही सरजीत गुप्ता ने? हाँ, सरजीत गुप्ता। तो आपने इस संबंध में थाने में तहरीर दी? हाँ, दिया। तो क्या कहा थाने वालों ने? थाने वाले कह रहे हैं कि मतलब आप बम्बई जाइए। अच्छा, तो आप बम्बई जाएंगे, वो नहीं बम्बई ना जाते तो कहाँ से जाएंगे? उन्होंने कुछ पता लगाया? कुछ पता ना पता ना कुछ था ना हाल, कुछ भी ना बताओ। रोज हम दौड़ दौड़ के जाते, रोज उकरी तो कहाँ चली जी, कौन उमा चली जी। कितने दिन से थाने जा रही हैं आप? 1 महीना से बराबर जाए थे, कुछ न्याय नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। क्या चाहती हैं? हम ये चाहते कि हमारे पति का लाई दे, बात कराए दे बस। हाँ, क्या बच्चे हैं आपके? हमारे 4 बच्चे हैं। अच्छा, एक विकलांग। एक बच्चा हमारा विकलांग है। कौन सा थाना लगता है आपका? ननपारा। गांव? बंजरिया, मोती सिंहपुरवा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। भानु प्रताप मुंबई कमाने के लिए एक दिन अमरनाथ काम किया, 700 रुपया पाया। उसके बाद में सरबजीत गुप्ता मिल के कहें हमारे चेन्नई साथ में चलो तो आपको 1000 रुपया रोज दिलाएंगे। उसी बहकाए में चला गया साथ में लालच में चला गया। उसके बाद में 4 रोज के बाद मैंने फोन लगाया तो सरबजीत गुप्ता से बात हुई कि मैं हम चेन्नई से घूमेंगे तब आएंगे बम्बई, हम बात कराएंगे भानु प्रताप से, एक चक्कर बात कराएंगे, दोबारा हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये बात बोले। अब हमारा जो है फिर भी दरोगा भी बात की सरबजीत गुप्ता से। दरोगा ने बात किया सरबजीत गुप्ता से? हाँ। फिर दरोगा ने बात किया, कहे सबने हम वो पाएंगे क्या नाम है अरे बोनस, दिवाली का बोनस पाएंगे तब आएंगे दरोगा साहब, हम आप बात कराएंगे भानु प्रताप से बम्बई में आकर। ये भी दरोगा भी बात किया। उसके बाद में 4 रोज के बाद हम गए, फिर दरोगा से बात किया सरबजीत गुप्ता, नाम गांव बाप के नाम थाना सब बताया।
कोतवाल दरोगा लिखा गया। उसके बाद में हमको ये निवेदन है योगी और मोदी सिंह कि हमारे बच्चा का ढूंढ के देंगे। हमने दे रहा था फांसी लगा चुके हमने बहू कहा को खवाओ। हमें चार ठो बच्चे हैं उनके बिटिया हैं को खवा दे हम बिकला रहा है। तो मोदी योगी से हमको प्रार्थना है कि आप ढूंढ करके उसको आप हमारे बच्चे दे दें हम फांसी लगा मर जाएंगे।